नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने सिस्टम से वायरस को डिलीट कर पाओगे या कैसे अपने सिस्टम को आप वायरस मुक्त कर पाओगे। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हो कि हम सिस्टम से कई सारे फाइलें हम इंटरनेट एक्सप्लोरर से या मोजिला से, फायरफॉक्स से, किसी भी इंटरनेट ब्राउजर के माध्यम से हम कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर क्रैक डाउनलोड करते हैं या कोई भी पेन ड्राइव लगा के हम डेटा इधर से उधर ट्रांसफ़र करते हैं सिस्टम में या कोई भी डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, तो हमारे सिस्टम में वायरस आने का खतरा बना रहता है या फिर वायरस की कुछ फाइलें आ जाती हैं और हमारे सिस्टम को इन्फेक्ट कर देती है। तो यही सब चीज़ें आज की इस वीडियो में बताऊँगा कैसे आप अपने टेम्प्रोरी फाइल या वायरस वाले फाइल को कैसे आप अपने सिस्टम से डिलीट कर पाओगे। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं अपना चैनल लॉगिन कंप्यूटर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि कैसे हम ये प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे वायरस मुक्त बनाने का। तो चलिए सिस्टम के, तो दोस्तों हम यहाँ पे आ चुके हैं अपने सिस्टम के स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, विंडो आर प्रेस कर देना है। विंडो आर प्रेस करके इसमें आपको टाइप कर लेना है परसेंटेज TEMP और फिर परसेंटेज लगा के इसको बंद कर देना है। और उसके बाद या तो आप यहाँ पर ओके पे क्लिक कर सकते हैं या तो एंटर प्रेस कर देते हैं। तो एंटर प्रेस करते ही आपकी फाइलें ओपन हो जाएंगी यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कई सारे टेम्प फाइलें हैं जो कि हम सिस्टम पे काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो पहले हमारे सिस्टम में टेम्प फाइल ही बनती है। तो ये टेम्प फाइल जो होती है इनमें वायरस भी यहीं पर हमारे क्रिएट होते हैं, तो हम चाहे तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो हमारे इस फाइलों को हम क्या करना है, सिंपली यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस कर देना है और सारे फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर शिफ्ट बटन के साथ डिलीट बटन को प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यू आर श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस आइटम। तो आप यहाँ पे शिफ्ट के साथ डिलीट करोगे तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा और यहाँ पे यस करके आपको ओके कर देना है। तो आपके यहाँ पे जितनी भी फाइलें होंगी वो डिलीट हो जाएंगी और कुछ फाइलें बच जाएंगी। ये वो फाइलें हैं जो अभी रनिंग फाइलें हैं जो कि आपके सिस्टम में अभी वर्क हो रहा है, जितने भी फाइलों पर आप काम कर रहे हैं, चाहे वो आउटलुक हो गया, क्रोम हो गया, ब्राउजर हो गया, कुछ भी हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, एक्सेल हो गया, तो ये सब चीज़ें ओपन होंगी। उनका ही ये रिलेटेड टेम्प फाइल होता है जो कि रनिंग कंडीशन होता है। तो आपको इसको छोड़ देना है और फिर इसके बाद आपको हमें नेक्स्ट स्टेप पे चलना है जो कि हमें फिर विंडो आर प्रेस कर देना है और रन कमांड में आ जाना है और यहाँ पर हमें टाइप करना है CLEMGR, इतना हमें टाइप कर देना है CLEAN क्लीन MGR, इतना टाइप करके हमें फिर से ओके प्रेस कर देना है। यहाँ पे ओके प्रेस करते ही हम अब देख सकते हो सेलेक्ट ड्राइव यू वांट टू क्लीन अप ड्राइव। तो आप सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, जितने भी ड्राइव होते हैं वो आप क्लीन कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली ओके प्रेस करना है। तो यहाँ पे हमें कुछ चेंज नहीं करना है। ये टेम्प्रोरी फाइल और डाउनलोड प्रोग्राम फाइल जो भी होगा, जो इन्फेक्टेड फाइल होंगी वो यहाँ पर खुद ही सेलेक्ट हो जाएंगी और इसके बाद आपको सिंपली ओके पे प्रेस कर देना है और डिलीट आइटम पे कर देना है क्लिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से भी आपकी जो फाइलें होंगी वो डिलीट हो जाएंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा समय लगता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्लीन हो चुका है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो हमें फिर से यहाँ पर विंडो आर प्रेस करना है और विंडो आर प्रेस करके फिर रन कमांड खोल लेना है और हमें यहाँ पर रन एक और कमांड करना है prefetch। तो ये कमांड हमें टाइप कर लेना है और यहाँ पे फिर से ओके प्रेस कर देना है और यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस दिस फोल्डर। तो कंटिन्यू करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास एडमिन राइट्स नहीं होगा तो नहीं खुलेगा। तो देखिए आप यहाँ पे इसको कंट्रोल ए कर लेना है फिर यहाँ पे और शिफ्ट के साथ डिलीट कर देना एंटर। फाइल हमारी सारी डिलीट हो जाएगी यहाँ से, पूरी फाइल जो भी होंगी। तो इस तरह से आप डिलीट कर सकते हो अपने फाइलों को। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कमांड की ओर और यहाँ पे हमें टाइप करना है TEMP। ध्यान रखिएगा यहाँ पे परसेंटेज नहीं लगाना है, हमें सिंपली टेम्प टाइप कर देना है और यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करते ही फिर से कंटिन्यू कर देना है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी कुछ फाइलें हैं हमारी, तो ये हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ भी हमें एंटर कर देना है, सेलेक्ट ऑल करके और कंटिन्यू पे क्रिएट कर देना है। तो हमारी फाइलें डिलीट हो जाएंगी यहाँ से।
और यहाँ पे डू ऑल दिस करंट पे क्लिक करके आपको एस्केप पे क्लिक कर देना है। जो रनिंग फाइलें होंगी वो डिलीट नहीं होती हैं। तो इतना कुछ हो गया दोस्तों, तो अब चलते हैं आप अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो हमें विंडो आर फिर से प्रेस करना है और यहाँ पे टाइप कर देना है TR EE। दोस्तों ध्यान रखना ये ट्री वो पेड़ वाला ट्री नहीं है, तो यहाँ पे ट्री टाइप करके फिर ओके प्रेस कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, ट्री पे ओके करते ही हमारा कुछ नहीं चल रहा है क्योंकि इसमें कोई वायरस और जंक फाइल अब बचा नहीं है। अगर कुछ होता है तो ये जैसे हमारा देख सकते हैं आप ब्लैक स्क्रीन आने की कोशिश कर रहा है CMD वाला, वो नहीं आ पा रहा है क्योंकि हमारे पास स्कैनिंग के लिए कुछ नहीं बचा है। अगर आपके सिस्टम में कोई दिक्कत होगा तो आपका ये स्कैन करेगा ब्लैक स्क्रीन पे, तो इस तरह से आप स्कैन होने देना है। अगर आपके केस में आ रहा है तो वो स्कैन होने के बाद जो भी जंक फाइलें और वायरस वाली फाइलें होंगी वो डिलीट कर देगा यहाँ से, तो आपका सिस्टम बिल्कुल स्मूथ लगेगा। आप उसके बाद सिस्टम को रीस्टार्ट कर लोगे, सिस्टम रीस्टार्ट करने के बाद आपको बिल्कुल फील होगा कि आपका सिस्टम बहुत ही हल्का चल रहा है या पहले से थोड़ा सा स्पीड बढ़ भी जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने सिस्टम से वायरस को हटा सकते हैं और जंक फाइल को डिलीट कर सकते हैं। और दोस्तों यकीन मानिएगा फिर आपका सिस्टम बिल्कुल ही स्मूथ चलेगा अगले रीस्टार्ट पे। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो चलिए मिलता हूँ मैं किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।